आप सभी से नमस्कार। ये एक चोरी की वारदात का सीसीटीवी वीडियो है। पहले आप सीसीटीवी वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे चोरी की ये वारदात कहां पर हुई, किसके साथ हुई और कितने लाख रुपए का माल लूटा गया। देखिए, ना मास्क लगा रखा, नहीं कुछ लगा रखा। अच्छा एक चीज और है, पहले जो बंदा आया था वो दूसरा था, ये दूसरा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई, ऐसी वो जो पहले जो बंदा लेके आया था रॉड, वो दूसरा है, दूसरा ऊपर तक के उतारा वो डर गई ना कतई डर गई ना। हाँ टीम जी है कि वो भी लग रो हथियार भी है भाई, बिना हथियार कैसे आज पकड़ लिया। वो बाहर से बंदा आया था, खुली लूट ली है और ये अलग है, बाहर से बंदा आया उसके पास हथियार नहीं है, वो अलग है, वो खोलने वाला अलग है, वो अलग है। अरे की पेड़ तो वो की पेड़ ले गया, लेकिन मैं इसलिए टच वाले थे, वो यहाँ ले गए रहे खोलने पहुंचते आपको बता दें, छासा गांव में कृष्णा कम्युनिकेशन नाम की मोबाइल शॉप है, जिसमें रात में चोरी की वारदात हुई और लाखों रुपए के मोबाइल लूट लिए गए। आप लोग देख रहे हैं कृष्णा कम्युनिकेशन, और शॉप ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या क्या चोरी हुआ, कितने का माल चोरी हुआ और पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है और इनकी पुलिस से प्रशासन से क्या मांग है। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेश भाटी नाम है सर। चोरी हुई रात में जी, क्या क्या चोरी हुआ, कितने का माल चोरी हुआ? करीबन जी 2.5 लाख के करीब माल गया है। कितने फ़ोन गए हैं? 20 फोन एंड्रॉयड के करीब और 30 फोन हैं जो कीपैड गए हैं, और बाकी एसरीज हैं जो वो लेके गए हैं। चोरी की वारदात पूरी तरह से सीसीटीवी में कैद हुई है जी। चोर आराम से मोबाइल उठाता हुआ हाँ जी दिखाई पड़ रहा है, उसको पुलिस का प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, जबकि यहां से करीब 100 मीटर दूर छासा पुलिस थाना है जी। इसके बावजूद भी वो आराम से आता है, ताला तोड़ता है, शटर तोड़ता है, अंदर घुसता है, मोबाइल चोरी करके और एसेसरीज चोरी करके ले जाता है। ये सब वारदात में जब कैद हो रहा था, उसको कोई डर क्यों नहीं है पुलिस का? सर यहाँ पे डर किसी को भी नहीं है, उसको नहीं किसी को भी नहीं है, क्यों प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका है यहाँ पे। प्रशासन का किसी को खौफ नहीं है यहाँ पे। आए दिन कोई ना कोई वारदात होती है, पहले भी दुकानें लूटी गई हैं, पहले भी दुकान वाले ये कह रहे हैं कि जी हमारी कोई रिकवरी नहीं हुई, हमारा कुछ नहीं हुआ। प्लस में अब मेरे पास में कोई वारदात हुई है, वो वारदात हुई है तो उसमें प्रशासन के लिए कॉल करी गई मेरे को, 20-25 मिनट बाद कॉल के आए हैं प्रशासन, उन्होंने फ़ोटो वोटो लिए हैं अपने और बाकी थोड़ी बहुत कार्रवाई करके मेरे को बोला गया जी आप एक एप्लीकेशन दे देना। क्या मांग है आपकी पुलिस से? प्रशासन से मेरी यही मांग है जी कि जी जो अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए, इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और मेरा माल मुझे वापस मिले। जो ताला तोड़ा गया है वो कहाँ है? ताला दिखाइए, थोड़ा साटना भैया, थोड़ा सा दिखाओ, ये दिखाओ, इधर दिखाओ, जो ये देखिए, ये ताला लगा हुआ था लेकिन इसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, इसको आराम से तोड़ा है और हुक भी तोड़ दिया जिसमें ताला लगा होता है, उसको भी तोड़ दिया है। तो उनके हाथों में कोई कुछ था, हथियार सा था? हाँ, क्या था वो? रॉड था, रॉड है उसके हथियार में, जो वीडियो में देखी गई है, प्लस में वीडियो में देखी हुई है कि उसके कुछ बंदूक वगैरह की कुछ टाइप की पिस्टल भी लगा रखा है, ऐसा कुछ लगा रखा है, पिस्टल हुआ है वो दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट। इसका मतलब पूरी तैयारी के साथ? हाँ जी हाँ जी, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मिल जाता है, उसको खत्म वादार कर देता उसके साथ में, और प्रशासन का इतना खौफ नहीं है उसे,
लॉक तोड़ा है, लॉक तोड़ के बिल्कुल आराम से गेट खोल के अंदर से वारदात की है और आराम से निकल के चले गया, आराम से चोरी की है बिल्कुल। यहाँ पहले भी चोरियाँ हुई है भाई साहब, कोई बता सकता है? जी बिल्कुल चोरियाँ हुई है यहाँ पे सामने, यहाँ देख रहे हैं कि मेरे से। बताइए सर क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? करकला कपड़े वाला छैसा से। हमारी दो बार दुकान टूटी है, आज तक हमारी कोई न मदद हुई न हमारे चोर पकड़े गए। एक बार दरखास्त लगा दी, दरखास्त की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और तो और हम बल्लावड़ से कुत्ते भी ले आए थे यहाँ, लेकिन उसके ऊपर ही लोग वाद आपस में हंसी उड़ाते थे, किसी ने कोई कार्रवाई पुलिस ने चोर भी नहीं पकड़ा गया, नहीं। चोरी का माल भी बरामद नहीं, आज तक कुछ बरामद नहीं हुआ, आज तक कोई चीज़ नहीं मिली हमारी। तो यहाँ पर पुलिस गश्त वगैरह नहीं करती? नहीं, कोई गश्त नहीं करती रात को। पुलिस कुछ तो आराम से आ रहा है चोरी करके ले, आराम से आराम पुलिस थाना बिल्कुल बगल में, बिल्कुल कुछ कोई मतलब पुलिस का किसी को कोई खौफ नहीं है। पहले भी दो चार इंस्पेक्टर आए हुए हैं, उन्होंने अपना रौब जमाया तो कुछ दिन के लिए रोकथाम हो गई थी, अब कोई रोकथाम नहीं। दो तीन साल से तो लगातार ही चोरियां हो रही हैं। कभी देख सकते हैं अभी अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इधर दिखाओ थोड़ा घुमा के, बिल्कुल पुलिस थाना बगल में है। अगर 100 मीटर चलेंगे तो यहाँ से बिल्कुल 100 मीटर दूर छैसा पुलिस थाना है, उसके बावजूद भी इतने नज़दीक चोर आराम से आता है, लॉक तोड़ता है, मोबाइल लूटता है और यहाँ से भाग जाता है। और उसको ये भी पता है कि CCTV लगे हैं, वो इधर उधर देखता भी है, उसको पता है रिकॉर्ड हो रही है। हालांकि थोड़ा सा उसने कपड़ा लगाया था मुंह पे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसकी दिख रही हैं। अगर पुलिस जांच करे, पड़ताल करे तो पता लगाया जा सकता है चोर कौन है और हर चीज़ के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है और चोर को आसानी से जल्दी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन इसके लिए पुलिस को थोड़ा सा दौड़ भाग करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखते हैं छैसा थाना पुलिस और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के लोग कब तक चोर को गिरफ्तार करते हैं और इनका माल कब तक बरामद होता है। ये बता रहे हैं करीब 2.5-3 लाख रुपए का माल है और बड़ी मुश्किल से ये लोग अपना काम कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से चोरी डकैती होगी, माल लूट लिया जाएगा तो युवा स्वरोज़गार भी नहीं कर पाएंगे। आज स्वरोज़गार ही एकमात्र रोज़गार का साधन है, नौकरियां वैसे भी नहीं हैं, कोई रोज़गार करे तो चोरी चकारी हो जाती है, लूट हो जाती है, ऐसे में ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। सर कोई और मांगे आप? सर मेरे से कोई 50 मीटर दूर दुकान है, वो दो बार चोरी की गई है, ताला तोड़ के, छत तोड़ के और स्टर भी उखाड़ लिया उसका, दो बार माल का कोई बरामदगी नहीं हुई है जिसे उसने बताया। एक दुकान कोई मेरे से 100-150 मीटर अंदर है, उसके भी ताला तोड़ के, छत तोड़ के उसका भी निकाला है माल, उसका भी कुछ नहीं हुआ। जैसे भाई साहब बता रहे हैं जैसे भाई साहब बता रहे हैं मेरी दो बार, लेकिन कुछ नहीं बताते प्रशासन, बिल्कुल नहीं हुआ, खाली रहता है। परचूने की दुकान है यहाँ, उसका ताला तोड़ा है, शटर तोड़ा है, उसमें से भी इकट्ठे भर ले गए सामान के। आजकल देखो परचूने में या मोबाइलों में महंगाई तो है ही, एक एक मोबाइल फोन 1-1 लाख रुपए का है, कहाँ से आएगा? बहुत सारी आदमी है जी, है जी, कोई गरीब आदमी लोन लेके कैसे करके अपना गुजारा करता है, नौकरियां हैं नहीं, अब नौकरी मिलती नहीं तो इंसान दुकान करेगा छोटी मोटी किराए पे लेके। ये भी किराए पे दुकान ले रखी है, जो हमारी टूटी थी वो भी पंचायत की किराए की दुकान है हमारी। अगर माल नहीं मिला है तो बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद क्या, ये अपने रोड पे लग जाएंगे दोबारा, तो नहीं काम कर पाएंगे, नहीं नहीं कर पाएंगे, इतनी खेती नहीं है। इसको देखना चाहिए इस तरह से, युवा अगर डर जाएंगे, काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, दुकान नहीं खोलेंगे, दो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा और बेरोजगारी की समस्या भी खत्म नहीं हो पाएगी। दो महीने पहले ही दुकान टूटी है यहाँ से बिल्कुल, वो तो 20 मीटर की दूरी पे थाने गेट पे, और हमारे बारी भी बिल्कुल मंदिर से सटी हुई दुकानें हैं जो टूटी हैं। इस मार्केट में छोटी सी मार्केट है छैसे की, कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जहाँ कोई पुलिस चक्कर नहीं लगा सकती या गश्त नहीं लगा सकती, 102 नंबर वाले भी घूमते हैं, लेकिन ऐसा उसको कि भय नहीं हुआ, उसको जो चोरी कर रहा है उसको इतना खौफ नहीं है पुलिस का डर कि भाई कोई आ जाएगा कोई वो नहीं आएगा, कैमरे में साफ आ रहा है उसके यहाँ कुछ लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है हथियार, अगर कोई देख लेता उसको मालिक आ जाता या कोई आ जाता तो अंजाम दे देता हूँ। तो आपको दिखा दें, यही वो दुकान है जिसमें लूट हुई है, अंदर से थोड़ा दिखाओ भाई, ये दुकान है देखिए, जहाँ से मोबाइल गायब हुए हैं आपको गायब दिख जाएगा, और कुछ मोबाइल यहाँ रखे गए थे, उसको आराम से वो उठाता है और भाग जाता है। तो कृष्णा कम्युनिकेशन नाम से मोबाइल की दुकान है जिसमें चोरी हुई है, अब पुलिस से इनकी मांग है जल्दी से चोर को पकड़ा जाए और इनका माल बरामद किया जाए। यहाँ पे पूरा चौक है, यहाँ से हमारी बहन बेटियाँ भी जाती हैं गाँव की, बाहर के बंदे आते हैं यहाँ पे, शराबी भी उत्पादक करते हैं,
गाली गलौज करते हैं, डंडा मारपीट भी होती है, लेकिन कोई मतलब नहीं है किसी से प्रशासन। यहाँ पर CCTV भी लगे हैं रोड पर सर, यहाँ पे दो आगे कैमरे लगे हुए हैं, उनमें भी आता है, सब कुछ आता है। ये स्पेशल हमने इसमें आ गया है, लेकिन और भी CCTV लगे होना चाहिए। जब चोरियाँ इतनी ज्यादा हो रही है तो हर तरफ CCTV उसमें आ जाएगा ना वो चोर। हाँ जी, वो चोर आ जाएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं उसने कपड़ा हटा रखा हो तो उससे पहचान हो जाए। इसमें भी हटाया हुआ है, देखना चाहे पकड़ना चाहे तो बिल्कुल यहाँ से बिल थोड़ा सा दिख रहा है और बाकी सब क्लियर है। अगर पुलिस प्रशासन पकड़ना चाहे तो एक मिनट में पकड़ लेगा उसको। चलो देखते हैं चोर कब तक पकड़ा जाता है, माल कब तक बरामद होता है। क्या है, मैं कहना चाहता हूँ कि बस ये है कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और ये गरीब आदमी है अपना गुजारा कैसे करते हैं। तो मैं तो पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको गिरफ्तार करें और भाई का माल दिलाएं, और एक जाते यहाँ एक बार दो राउंड मारते रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ थोड़ा सा सख्ती की ज़रूरत है और थोड़ा सा टाइट होना चाहिए पुलिस को। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।